गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय माता दी। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी गाइस। तो आज हम लोग का जीवित पुत्रिका का व्रत है गाइस। तो हम दोनों ने व्रत किया है, मैं और मेरी जो सेकंड नंबर वाली देवरानी है उसने किया है, और छोटी वाली भी नहीं की, उसका अभी छोटा बेबी है, एक मंथ हुआ अभी बेबी हुए। तो अभी हम लोगों ने दिन भर फास्ट रखा, अब मतलब पूजा करेंगे। तो पूजा कैसे करते हैं आप लोगों को दिखाएंगे गाइस। और इसके बाद मैंने देखी, मैंने साड़ी डाली हुई है, कैसी लग रही हूँ। और इसके बाद गाइस सब कुछ आपको दिखाएंगे पूजा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जीवित पुत्री का व्रत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस, ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस जिसने व्रत किया है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए दीक्षा रेडी हो चुकी है। ये इधर आप देखिए, इसने साड़ी वियर किया हुआ है, और ये बहुत अच्छी तरह से गाइस तैयार हुई है। मैं अच्छी तरह से नहीं हुई हूँ तैयार। देखिए अच्छी लग रही है, कमेंट करिएगा। और इधर मेरे को भी दिखाना साड़ी। देखिए गाइस मैंने जो साड़ी वियर किया है, और कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है। देखिए, और इनको भी देख लीजिए। तो अब आ गई हैं सालू भी। देखिए इनको, इन्होंने व्रत नहीं किया है, और इनका लुक देख सकते हैं। साड़ी सूट पहनी है, बेबी लिया हाथ में। पूजा करा जाएगा ना तो कथा सुन लेना। तो इसको मैंने बोला कि व्रत नहीं किया तो कथा सुन लेना। तो गाइस हम लोग अभी जाएंगे पूजा करने और कथा करेंगे। नीचे से पूजा सामान लाना है, तो हमारा नीचे से सामान लेके जाना है ऊपर गाइस, ऊपर पूजा करना है। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, और इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए। हे गाइस, तो मैं ना देखिए यहाँ पे पूजा करनी स्टार्ट कर दी है। तो जिमुट वाहन को कुशा पे और चील को सुपारी पे रख के, और इसके बाद ये दीक्षा की ज्योतिया है। तो इसने न्यू ज्योतिया ली है पहली बार दोनों बच्चियों के लिए। तो इसकी ज्योतिया और अपनी ज्योतिया, दोनों ज्योतियों को मैंने गंगा जल से धो के, और इसको मैंने यहाँ पे पाटे पे रख दिया है गाइस। और इसके बाद से मैं पूजा करने स्टार्ट कर दी है, और साथ में जीवन भगवान भगवान की तो स्थापना हमने की ही है कुशा पे और चील। और यहाँ पे आज अष्टमी है, तो माता रानी का ही व्रत है। तो सो मैं माता रानी को माला पहना देती हूँ। मोबाइल लगाओ, मोबाइल में सुनते हैं। तो गाइस हम लोग मोबाइल में ही कथा सुन लेते हैं। अब आज जब व्रत है तो बोलने की चलो तो अच्छा नहीं हो रही है। अरे तुमने मिटा दिया था बेटा, रुको रुको रुको, ऐसे अच्छी तरह से लगा, अच्छी तरह से ऐसे वालो भैया, ठीक है। हाँ हो गया, तो हमारी पूजा हो गई, अब कथा करते हैं। तो हमने ना अब सुपारी पे चील और जो कुशा है उस पर जमुत वाहन जी का वाहन करके, और इस तरह से मैंने पूजा की है। देखिए ये सुपारी है, और ये जमुत वाहन है इन पे कुशा पे, और साथ में हम दोनों ने अपने अपने ज्योतिया को रख दिया है, ज्योत भगवान की जो मूर्ति उसे रख दिया है। और इस तरह से पूजा करके आरती करके, और इसके बाद हम लोग सारे प्रसाद को बच्चे और पति सबको दे देंगे। इस तरह से पूजा करते हैं। सुंदर परसी वसुर भूपा दियना मैं अभी चल अविनाशी हो, मैं अभी चल अविनाशी अमलय अनंतय गोचर अजय आनंद राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा ब्रज रानी हृदय पद्म हारिणी सब बाधा जग जननी जय जय। हे गाइस, तो आरती हो गई थी, तो इसके बाद मैंने अपनी देवरानी से बोला दीक्षा से कि उसे विसर्जन कर दो। भगवान भगवान सब पे कृपा बनाए रखें, और माता रानी आप सभी पे भी कृपा बनाए रखें। और बहुत आज हम लोग का मुश्किल वाला दिन है गाइस, प्यास बहुत लग रही है, और पूजा तो हो गई, और यहाँ पे दीक्षा भी है, इन्होंने भी कर ली पूजा। प्यास लग रही है नहीं लग रही है? मुझे अभी थोड़ी सी फील हो रही है, बट माता रानी के नाम लेने हो जाएगी। मुझे प्यास लग रही है बेटा, तुम भी बोलो। हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस। हाँ
और कुछ कहना है? बोला प्यास हम लोग को, मतलब व्रत हम लोगों ने किया, प्यास इन लोग को लग रही है। हे गाइस, तो मैंने अपने देवरानी से बोला कि प्रसाद उठा दो, तो ये आचमन करके और सारे प्रसाद उठा रही है। अब सारे बच्चों को जूतियाँ पहनाएंगे। भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुंडरी काचा मंगला एतनोरी। तो देखिए गाइस, ये अर्ना भी जूतियाँ पहनने लग गई, अरे सॉरी कृतिका, कृतिका जूतियाँ पहन रही है। दिखाओ कैसी लग रही हो, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो कृतिका को प्रसाद दो, प्रसाद देना बच्चों को शुरू करो। शुरू हो गया प्रसाद। तो गए सभी दो बच्चे यहाँ पे हैं, लोग प्रसाद देते हैं। बाबू को बुलाते हैं, जाओ भैया को बुला के ले आओ, बाबू आ ही नहीं रहा, ऊपर पढ़ाई में लगा है। अर्ना भी पहनने लगी जूतियाँ हंसने के लिए। और अब ये बच्चे पहन लेंगे, इसके बाद ये दीक्षा पहन लेगी, माँ पहन लेगी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है जूतियाँ पहन के? अच्छा। तो गाइज, अब रह गया था मेरा बाबू, तो मैं अपने बेटे को पहनाने लग गई थी जूतियाँ। तो सबसे पहले अपने बच्चों को पहना के तब माँ पहन लेती है। तो थोड़ी देर इसको रखूँगी, और यहाँ पे मैंने अपने बाबू को प्यारू कर दिया और बाबू मेरा खुश हो गया। तो इसका टाइमिंग फिक्स रहता है, तो ये सोने के चक्कर में। और यहाँ पे देखिए सभी के आशीर्वाद ले रहे, चाची के और मेरे। तो आई होप कि आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।